प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले के ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें पैसा एक्ट लागू होने पर ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया, जिससे पैसा एक्ट के तहत ग्रामों की समस्याओं का निराकरण ग्रामों में ही किया जाएगा। ग्रामों में एक बेहतर वातावरण बनेगा एवं विकास की गति तेजी से आगे बढ़ेगी। आज कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन के द्वारा जनपद पंचायत राणापुर क्षेत्र की ग्राम सभा ग्राम टिकड़ी बोड़िया एवं धामनी चमना में उपस्थित रहे एवं ग्राम सभा में चल रही कार्यवाही से रूबरू हुए। ग्राम सभा में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा पैसा एक्ट के संबंध में चर्चा की गई। ग्राम सभा में पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दी गई एवं निर्देश दिए गए कि ग्राम सभाओं में आम जनता तक सरल भाषा व स्थानीय भाषा में पैसा एक्ट के बारे में बताया जाए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आपने पैसा सही बताया, लेकिन पैसा क्या है? आपके यहाँ पहले से पंचायत तो लागू है अधिनियम, लेकिन आप क्या एक एक जो पैसा जो कहते हैं हम लोग, वो है कि जो भी हमारे जनजाति के क्षेत्र है, इसको हम लोग अधिनियम क्षेत्र कहते हैं, जहाँ जनजातियां रहती है उसको उसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनमें कुछ विशेष चीजें करनी पड़ती है कुछ भी काम करने से पहले। ये सामान्य पंचायतों में लागू नहीं होता है, तो वो अधिनियम लागू हुआ है। उस अधिनियम में कुछ कुछ ऐसी चीजें ऐसे से काम है जो ग्राम सभा तो पहले भी थी आपकी, पहले भी पंचायत ग्राम सभा होती थी और कोई भी प्रस्ताव उसे पारित होता था, कोई कोई प्रस्ताव पारित किया आपने और काम किया आगे करके। तो इस ग्राम सभा योजना में क्या अंतर है? फिर मुख्य प्रश्न है ना कि वो ग्राम सभा जो भी काम होते वाली पंचायत में आके रोड बनना है कोई खाली बनना, तो पारित होता पहले कि यहाँ रोड यहाँ से भरी है, उसके बाद उसमें काम शुरू होता है। तो ये ग्राम सभा क्या और वो ग्राम सभा क्या है? वो ग्राम सभा तो ग्राम पंचायत के लिए है, ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए, उसके अलावा आगे कार्य नहीं करती। लेकिन ये ग्राम सभा गांव के सारे सामाजिक जो भी काम है, जो भी आपको लगता है उसमें आपको सोचना है विचार करना है, उसमें सबको इसमें रख सकते हैं, उसमें चर्चा कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे हमारे जनजाति के लोग होते हैं बहुत सारे, तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके क्षेत्र में। एक तो होता है हरदेह जंगल होता है, यहाँ जंगल नहीं है आपके, यहाँ वन की जमीन नहीं है, वरना वन की जमीन होती जंगल होता है तो उसका कैसे कितना उपयोग करना है, क्या ले सकते हैं जंगल से, ले सकते हैं ये सब कुछ फिलहाल होती है वन विभाग से। तो उसमें कुछ अधिकार दिए गए कि भाई कुछ कुछ चीजें हैं जो वन से ले सकते हैं, जो 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 वहां लोग रहते हैं उनको अधिकार है वो ले सकते हैं, उसके लिए वन विभाग कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो उसमें किया गया। या जैसे वन से आप लोग ये बांस वांस है या तेंदूपत्ता होता है, नाली जो होगी तो दो लोग लड़ाई हो गई, किसी ने किसी घर के आगे पटाखा फोड़ दिया, गाली गलौज कर दी, थोड़ा बहुत जमीन का छोटा मोटा आपका आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसे में आप थाने जाएंगे, थाने पे सुनवाई होगी, एफआईआर होगी और एक दो साल तक केस चलेगा, तो जितने का तो झगड़ा नहीं था उससे ज्यादा तो आपका केस पूरा आगे पीछे होने में खर्चा हो जाएगा, मेहनत लग जाएगी। पता चला जब तक केस का रिजल्ट आया तब तक तो जिसके साथ झगड़ा था उसके साथ फिर अपने भाई बंधु वाले संबंध हो गए। तो ऐसे में अब ये आपको अधिकार दिया गया है कि ग्राम सभा खुद उन विवादों को निपटा सकती है। जो भी 5 से 7 समिति के सदस्य होंगे वो पंच की तरह काम करेंगे, उनके सामने वो विवाद जाएगा और वो आपस में बैठ करके, आप लोग अभी भी करते ही होंगे, गांव के अधिकतर मामले ऐसे ही निपटते हैं, चौपाल पे निपटते ही हैं, तो उसी को अब एक संवैधानिक रूप दे दिया है कि अब आप उसको आराम से निपटा सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर उसका निवारण करेंगे तो पुलिस फिर उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे आपके परंपरा से आदिवासी परंपरा से चला आ रहा है उस प्रकार से आप निवारण कर सकते हैं। और मान लो कोई केस ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके बाद समिति से भी ऊपर स्तर का है और थाने में वो केस जाता है, तो अब ये टीआई साहब की जिम्मेदारी है कि जिसके ऊपर केस हुआ है उसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा को आकर के देगी, तो आपको पता रहेगा कि किस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है और उसने क्या गलती की है, तो आने वाले समय पर उस पर नजर रखी जा सके और यदि वो आपसे समझता है तो उस केस को राजीनामा की ओर ले जाया जा सके। तो दोनों ही प्रकार की स्थिति है कि आप अपने अधिकारों का ध्यान रखें, कभी भी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो उसको आप गांव में ही निपटाने का प्रयास करें, नहीं होता है तब आप हमारे पास आए, हम उसमें सहयोग करेंगे। एक और चीज इसमें छूट गई, जैसे आप सब लोगों को पता है आप लोग कहीं कहीं से कर्ज लेते हैं, कभी शादी ब्याह जरूरत पड़ती है, किसी आदमी से किसी व्यापारी से साहूकार से पैसा लेते हैं, सबको काम पड़ता है, बैंक से तो बैंक में तो कागज लगते हैं, साहूकार तो बिना कागज दे देता है। अब होता क्या है कि साहूकार से आपने कर्ज लिया, फिर साहूकार का ब्याज है 50%, मतलब 50% ब्याज ले रहा है वो जस्ट, और आप एक बार ले लिया कर्ज 10 साल से चुका ही रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। और ऐसी अगर कहीं है स्थिति और आपको ग्राम सभा को पता है तो
लोगों को तो दिक्कत आती रहती है, लेकिन उन दे रहे हैं कि ठीक है साहब कर दिया, देना पड़ेगा, ये चलता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है, आपको पता आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है साहूकार की तरह काम कर रहा है जो पैसा देता है लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा ले रहा है, और जो नियम के विरुद्ध है, जो ब्याज शुल्क की दर है उससे ज्यादा है, या शोषण कर रहा है, या पीढ़ी की पीढ़ी बीती जा रही है, आपकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी हो गई और पैसा ब्याज खत्म ही नहीं हो रहा है, ब्याज ही दे पड़े हैं, या हमारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, ऐसी अगर जानकारी मिलती है तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। आप जैसे आज बैठे हैं, आप में से कोई कह रहे कि भाई फलाना आदमी है वो कर्ज देता है और हमको फालतू शोषण करता है, 10 साल से कर्ज जमा कर रहे हैं, वही नहीं रहा, तो उसका आप जानकारी अपने पास इकट्ठी कर सकते हो और उसमें फिर हम लोग जिले में कार्रवाई करेंगे, सुनिश्चित उसकी जांच करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, और ऐसा आप नहीं पाया जाए तो उसमें भी सावधानी रखी है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्योंकि आप लोग गाँव में रहते हैं और आपको पता नहीं है कि गलत है कि सही है जो कर रहा है साहूकार आपका, तो गलत सही कर रहा है आपको पता नहीं होता है, तो ये है कि अगर आपको लगता है कि गलत कर रहा है तो आप प्रस्ताव पारित करो, भाई ये साहूकार है और इसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए, आप वो प्रस्ताव पारित करके हमको भेज दोगे एजेंट साहब को, एजेंट साहब तक पर, तो हम उसमें पुलिस के पास, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करके जांच कर लेंगे कि वो अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उससे जिसके पैसे। आज हमारे समाज आदिवासी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम करिए, क्योंकि हमारे आदिवासी समझदार बहुत जिला है, इनके कारण इन लोगों ने ग्राम सभा में समिति बने धमन बड़े, इन लोगों के सब सहमति असल है सब, फिर इन्हें बाद में क्योंकि ये लोग गामड़े से राणापुर जाते झगड़ा करे तम परेशानी होते है, तो इन लोगों ने समस्या होगी कि यहाँ ग्राम सभा हो जाए और हमारे साहब कलेक्टर साहब आए, SP साहब आए, हमारे छोटे मोटे अधिकारी आए, तो इन लोगों ने बड़ी खुशी नहीं बात है, क्या खुशी नहीं, ये लोग यहाँ आप तो वहीं हम जंगल में रहने वाले और आप वहाँ से आए गए, हम इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपको, या असल शांति पूर्व मीटिंग था रही तो असल मीटिंग साहब, ये हमारे लोगों ने सहमति है। अब फायदा बता दो कि क्या आपको लग रहा है अच्छा? हमारे फायदे ये लगे रहे कि हमारे मुख्यमंत्री ने के जो ग्राम सभा में पैसे समिति बने थे, जो जितने पैसे आए वो पैसे सब उपयोग करें, फिर सरपंच साहब ने अधिकार में सरपंच साहब उपयोग करें, ये भी काम लावे, तो इना मन में इन लोगों ने थे रही हूँ कि ग्राम सभा में आदेश सुन ले वो भी सही है, और सरपंच साहब ने ये काम शुरू कर दे लोगों ने, तो हमारे मैडम ये कि काम जो वर्तमान में अभी तक काम नहीं चले, तो मेरे ये सुझाव है कि छोटो मोटो काम ग्राम पंचायत में पास थी जाए, लोगों ने सामने समस्या हो जाए, कपिल धारा कुआ हो जाए, इंदिरा आवास वाले घर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाले घर या साहित थी जाए, इन लोगों ने बहुत समस्या हो जाए, इन्हीं भाइयों ने कहूँ कि ग्राम सभा में पास थी जाए तो हमें छोटे मोटे मकान भी मिल जाए, कपिल धारा कुआ भी मिल जाए, गले गले में थोड़ा खरीदा रोड हो जाए, इन लोगों ने सुझा भे सब ये थे, इन लोगों ने किन हर ये सब लोग इकट्ठे भले थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।